लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, वो पीएजीपी आपका क्या था? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये सिस्को के अलावा और डिवाइसेस पे भी रन करता है, मतलब सारी डिवाइसेस पर रन करता है ये ओपन स्टैंडर्ड IEEE या ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, वी कैन बंडल अप टू 16 लिंक, हम 16 लिंक्स तक बंडल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, बट 8 इज यूजेबल, सिर्फ 8 लिंक्स ही आपके यूजेबल होंगे एट अ टाइम। ठीक है, एंड जो रेस्ट ऑफ 8 है वो आपके हॉट स्टैंड बाई मोड में रहेंगे। हॉट स्टैंड बाई मोड मीन्स जैसे ही कोई एक लिंक डाउन जाएगा तुरंत दूसरा उसकी जगह ले लेगा, ये भी डाउन जाएगा अगला उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन नेटवर्क में बहुत सारे रहते हैं, जैसे आप Amazon की बात कर लो तो उन्होंने कौन से एक दो लिंक से काम चल रहा होगा उनका, है ना। थोड़ी देर के लिए भी साइट अगर सेकंड के लिए भी डाउन चली गई, लिंक डाउन चला गया तो पता नहीं कितना का नुकसान हो जाएगा, है ना। अब यहां पर भी PAGP की तरह मोड्स हैं, LACP मोड। LACP मोड कौन कौन से हैं? एक्टिव एंड पैसिव। जैसे वहां पर ऑटो डिजायरेबल था, यहां पर एक्टिव एंड पैसिव है। ठीक है, तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही बना रहा हूं मैं आपके लिए टेबल, स्विच 1, स्विच 2 और ये ईथर चैनल। तो ये आपके लिंक हो गए स्विच 1 के, और ये हमने ईथर चैनल लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं LACP डिप्लॉय कर। तो स्विच 1 का अगर ये इंटरफेस आपके एक्टिव मोड में है और स्विच 2 के भी एक्टिव मोड में है तो ईथर चैनल बनेगा। यस, वहां पर ऑटो ऑटो मोड थे तो नहीं बन रहा था, बाकी सारे उसमें बन रहा था, है ना। अगर दोनों स्विचेस हमारे ऑटो मोड में हैं तब ईथर चैनल नहीं बनेगा। और यहां पे भी कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है, ये आपका एक्टिव में है, ये आपका पैसिव में है, यहां पे ईथर चैनल बनेगा। ठीक है, और ये आपका पैसिव में है और ये आपका एक्टिव में है, तो भी आपका चीन ईथर चैनल बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब दोनों मोड्स आपके पैसिव पैसिव इंटरफेस है, ठीक है, तब आपका ईथर चैनल नहीं बनेगा। ठीक है, नो ईथर चैनल। ठीक है, वहां पर ऑटो ऑटो की कंडीशन में नहीं बन रहा था, यहां पर पैसिव पैसिव की कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है, एक मिनट यार होल्ड करना, मैं अभी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा पानी पीने का।
तो यहां पे हम ले रहे हैं स्विच। हेलो सर, ठीक, चार स्विच ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लिंक, ये FA0/1, ये देखो चार लिंक लगाऊंगा तो मेरे को दिखने बंद हो जाएंगे। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो पहले ही यहाँ पे नोट कर ले, कर लेना कि जैसे यहाँ देखो ये 0/1 0/1 है, ये 0/2 0/2, 0/3 0/3 और 0/4 0/4। अब देखो दिखना बंद हो गया, सिर्फ 4 दिख रहा है। यहाँ 4 के बाद 5 6 7 और 8, यहाँ 1 2 3 4 ही है, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है। बाकी के तो सबके 1 से 4 तक है, यहां भी 1 से 4 तक है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर अभी सारे इंटरफेस ग्रीन नहीं हो रखे हैं, ये एक एक हो रखा है। और बाकी क्या है आपके, 3 ब्लॉकिंग में है, स्टेट में 3 ब्लॉकिंग में, एक है सिर्फ लिंक आपका ग्रीन, ठीक है। तो सारे लिंक कैसे यूज होंगे, हमें ईथर चैनल डिप्लॉय करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर डिप्लॉय करूंगा LACP, ठीक है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो तो जो मैं आपको बोल रहा था वो है क्या, ओपन स्टैंडर्ड है LACP, ठीक है। यहां पे मैं डिप्लॉय करता हूं PAGP और यहां पर मैं इन दोनों के बीच में करूंगा डिप्लॉय ऑन, इसमें कोई मोड नहीं होता, सिर्फ ऑन ही लिखना पड़ता है आपको हर जगह, जैसे यहाँ तो ऑटो और डिजायरेबल, यहाँ एक्टिव पैसिव, यहाँ ऑटो डिजायरेबल, ठीक है। तो स्विच 3 पे चलते हैं सबसे पहले, इनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल, आपको इंटरफेस सेलेक्ट करने हैं। अब हर एक इंटरफेस को अलग अलग तो करूंगा नहीं, तो रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 4 तक, ये वाला इंटरफेस। ईथर चैनल बनाना है तो LACP में कौन कौन से मोड होते हैं, एक्टिव पैसिव, तो एक को एक्टिव में रख देता हूँ, एक को पैसिव में रख देता हूँ, यहाँ पे एक्टिव कर चला देता हूँ, एक्टिव, सॉरी एक्टिव लिखना है आपको, लिखना है अच्छा ईथर चैनल है, आपको लिखना है चैनल ग्रुप 1, तो 1 की आप कितने ग्रुप यहां पे बना सकते हो, आप यहां पे 6 ग्रुप, आपको यहां पे पैकेट ट्रेसर के केस में तो यहां पे कम दिख रहा है, लेकिन रियल सिनेरियो में आप ज्यादा ग्रुप बना पाओगे, ठीक है। तो चैनल ग्रुप 1 से 6 तक है, तो जैसे आपने यहां पे 1 रखा तो इसके सामने भी क्या रखोगे आप, ठीक सामने 1 रखोगे, ठीक है। फिर जब PAGP पे रखोगे तो वहां आप दूसरा चैनल ग्रुप दे दोगे, ऑन के बीच में रखोगे तो वहां दूसरा चैनल ग्रुप दे दोगे, ठीक है। तो यहां पर LACP दोनों स्विच 0 और स्विच 1 के बीच में मैंने चैनल ग्रुप का नाम रख दिया 1, और मोड क्या रख दिया, मोड रख दिया मैंने एक्टिव। मोड के बाद आप क्वेश्चन मार्क करके भी देखोगे तो 2 ये आपको मिलेंगे, ऑटो डिजायरेबल, ठीक है। तो मैं अभी LACP की बात कर रहा हूं तो एक्टिव मोड रख रहा हूं मैं, ठीक है। आप यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैंने एक्टिव किया, यहां देखो सारे लिंक डाउन हो गए अभी, ठीक है। तो अभी हम स्टेटस पहले चेक करते हैं, अभी पोर्ट चैनल आप नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हम इसके सामने डिप्लॉय करेंगे तब पोर्ट चैनल आप आएगा। तो मैं अभी शो ईथर चैनल की कमांड आपको करके दिखाता हूं, डू शो ईथर चैनल, देखो प्रोटोकॉल कौन सा चल गया है, LACP, क्योंकि मैंने मोड क्या रखा था,
मोड क्या रखा था मैंने, एक्टिव, ठीक है। अगर एक्टिव और पैसिव मोड रखूंगा तो LACP आएगा। ये क्या बोल रहा है, 16 लिंक तक आप बंडल कर सकते हो मैक्सिमम पोर्ट चैनल, ठीक है। और एक कमांड है आपकी डू शो ईथर चैनल समरी, ये तो डू शो ईथर चैनल किया आपने, डू शो ईथर चैनल चैनल समरी। ये देखिए पोर्ट चैनल वन बन चुका आपका PO1, और इसमें क्या है आपका डिप्लॉय LACP, और कौन कौन से इंटरफेस है, FA0/1, 2, 3 and 4। लेकिन इसके आगे देखो आपको I लिखा हुआ दिख रहा है। I का मतलब क्या, स्टैंड अलोन। अभी इस पे अकेले पे ही हमारा LACP चला है, सामने वाला जो स्विच है उस पे LACP हमने डिप्लॉय नहीं किया। जैसे हम उस पे भी डिप्लॉय कर देंगे तो ये I हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, P लिख के आ जाएगा आपका। तो P ये सिंबल लिख के आ जाएगा, इन पोर्ट चैनल, मतलब हमारा पोर्ट चैनल इन चैनल हो चुका है, ठीक है। अभी पोर्ट चैनल तो बन चुका है, ठीक है, PO1। अब मैं आपको दूसरे स्विच पे ले चलता हूं और यहां पे भी डिप्लॉय करता हूं, ठीक है। LACP की बात कर रहे हैं तो एक्टिव या पैसिव में रखना पड़ेगा हमें कोई सा भी, तो आगे एक्टिव रखा है, इधर पैसिव रख लेते हैं, ठीक है। पहले इंटरफेस सेलेक्ट कर देता हूं मैं, इंटरफेस FA0/1 से लेके 4 तक, यहां पे भी वही है रेंज एंड चैनल ग्रुप। तो चैनल ग्रुप क्या था मेरा, 1 था मोड पैसिव। देखिए ये सारे पहले डाउन गए और फिर आप आ गए, एग्जिट करके आप चेक कर लो, डू शो ईथर चैनल समरी, ईथर चैनल। यहां देखिए यहां P आ गया सीधे, यहां P एकदम से कैसे आ गया, क्योंकि सामने वाले पे ये देखो अभी रेड हो रखे हैं, अभी आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो अभी एम्बरिंग स्टेट में आया, अब ग्रीन हो जाएंगे। ये P इसलिए आया क्योंकि इसके सामने वाले स्विच पे हमने पहले ही क्या चला रखा था, LACP चला रखा, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूं। तो ये देखिए अब पहले यहां पे एम्बरिंग स्टेट में थे, अब सारे के सारे ग्रीन दिख रहे हैं आपको यहां, अब एम्बरिंग में नहीं दिख रहा है इस बीच में कोई भी, मतलब अब सारे लिंक हम यूज कर सकते, ठीक है। और यहां पे भी देखो पोर्ट चैनल आप आ गया होगा, ये देखिए आप आई की जगह पी लिखा हुआ आ गया, इधर अभी भी एम्बरिंग स्टेट दिखा रहा है और इधर भी अभी एम्बर दिखा रहा है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कोई भी एम्बरिंग स्टेट में कोई लिंक नहीं दिखा रहा, मतलब हम हर लिंक को यूज कर सकते हैं और हमारा पोर्ट चैनल अब आ चुका है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो PO1 यहां बन चुका है, ठीक है। अब मैं यहां पर भी डिप्लॉय कर लेता हूं इसके इधर वाले इंटरफेस पे, तो इधर वाले इंटरफेस पे 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो वो वाला इंटरफेस है, इंटरफेस रेंज FA0/5 से लेके 8 तक सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे चैनल ग्रुप मैं डिफरेंट दे देता हूं क्योंकि यहां पे मुझे PAGP डिप्लॉय करना है, चैनल ग्रुप 2 मोड। अब PAGP डिप्लॉय करना है तो मुझे मोड क्या रखना पड़ेगा, ऑटो या डिजायरेबल, तो यहां मैं रख देता हूं ऑटो और सामने रख दूंगा डिजायरेबल मोड ऑटो। ये भी डाउन गए और फिर आप आए, एग्जिट करके यहां पे भी चेक कर सकते हो आप, डू शो ईथर चैनल समरी, ये देखिए ये तो इसका पोर्ट इस पहले का दिखा रहा है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्ट चैनल आप आ रखा है, लेकिन ये वाला भी आई है इस साइड वाला 5, 6, 7, 8 FA0/5, 6, 7, 8। इस पे कब ये आएगा पी, जब सामने वाले पे हम डिप्लॉय करेंगे PAGP, और यहां देखिए ऊपर LACP है नीचे PAGP। तो इसने कैसे सेलेक्ट किया, इसके मोड के जो हमने मोड इसको बताया, ठीक है। अब मैं यहां पर डिप्लॉय कर लेता हूं सामने वाले इंटरफेस पे, यहां सामने वाले स्विच पे इनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज यहां पर भी सिलेक्ट कर लेंगे हम FA0/1 से लेके 4 तक,
ठीक है, और चैनल ग्रुप टू रखेंगे क्योंकि पीएजीपी में हमने चैनल ग्रुप टू रखा है, मोड सामने ऑटो रखा था, इधर डिजायरेबल रख देंगे। ये देखिए ये भी डाउन गया और अप आया, और ये देखिए लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस पोर्ट चैनल चेंज स्टेट टू अप, तो पोर्ट चैनल अब अप आ चुका है। ये रेड है, अभी एमरिंग स्टेट में आएंगे, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगी प्रोसेस। तो ये देखिए आप इसमें एम्बर में कोई नहीं है, अब ग्रीन आ रहा है, ठीक है, और पोर्ट चैनल भी अप आ गया है। ये आपको एक मैसेज भी लिख के दिखा दिया इसमें, और चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो। समरी करके तो ये देखिए यहाँ पे आ गया पोर्ट चैनल, और इस पे भी एक बार चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे भी अप आ गया होगा। ठीक है, दोनों LACP PAGP दोनों आप आ गए। ठीक है, अब बारी है ऑन मोड की, तो इस साइड तो ये पहले से ही अप है इधर, अब जैसे ही मैं एक साइड भी ऑन डालूंगा ना इसके, तो ये अपने आप दूसरे साइड भी अप आ जाएगा। ऑन का यही है क्योंकि स्टैटिक मेथड है। ठीक है, कॉन्फिगर टर्मिनल, तो आपकी इच्छा है दूसरे साइड आप लिखना चाहो या नहीं लिखना चाहो, पोर्ट चैनल आप आ ही जाना। ठीक है, तो यहां पर इंटरफेस रेंज FA 0/9 से लेके 0/9 से लेके 12 तक, चैनल ग्रुप थ्री ऑन, तो पोर्ट चैनल थ्री। देखिए मैंने एक साइड यहां पर रखा, ये डाउन भी नहीं गया कुछ, सीधे के सीधे सीधे इसने एक मैसेज दे दिया कि पोर्ट चैनल थ्री आपका अप आ गया, और यहां आप देख रहे हो प्रोसेस शुरू हो गई। तो यहां पे आप नहीं भी दोगे चैनल, ये मोड साइड एक साइड आपने दे दिया है, तो ये लिंक आपके अप आ जाएंगे। जैसे कि मैं इसको फॉरवर्ड कर दिया, आप देख रहे होंगे कि ग्रीन हो चुके हैं सर, है ना। इधर चैनल समझ में आया क्यों बना रहे हैं, है ना, यूज क्या है उसका। और अब आप सारे के सारे लिंक्स आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो काय के लिए यूज हो रहा है, रिसोर्सेस को वेस्टेज से बचाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्ट सिक्योरिटी का। ठीक है, कि पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से कैसे बचाएंगे, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी काय के लिए लगा रहे हैं हम, टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक स्विच है, ठीक है, इसका ये एक पोर्ट है, इससे मेरा एक पीसी कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस क्या है, AA है। तो मैं यहां पर पोर्ट सिक्योरिटी ऐसे लगाऊंगा कि जो ये मैक एड्रेस AA है इसको ही अलाउ करना, अदरवाइज डिनाई करना।
तो कोई और मैक एड्रेस, मतलब कोई और भी डिवाइस इस पे प्लग इन करने की कोशिश करेगा तो पोर्ट क्या हो जाएगा, मतलब जो भी हम उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, या तो पोर्ट लिंक डाउन हो जाएगा, या पोर्ट एरर डिसेबल मोड में जाएगा, या पोर्ट अप रहेगा, या ड्रॉप पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग वायलेशन मोड है जो हम सेलेक्ट करेंगे वैसा। तो ये हमारी पोर्ट सिक्योरिटी है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल रहती है डिवाइसेस पे। बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी इज डिसेबल्ड ऑन डिवाइसेस। अब बात आती है कि कितने पीसीज को आप अलाउ कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इस मैक को अलाउ करना, अदरवाइज डिवाइस डिनाई करना। तो हाउ मैनी मैक्स वी कैन अलाउ। तो यहां पर हमारे पास जो रेंज होती है रियल सिनेरियो की, अगर मैं बात करूं तो मैक एट वन मैक से, मतलब मिनिमम तो वन ही है ना, वन मैक से 4096, इतने मैक, मतलब इतने पीसीज या इतने डिवाइसेस आप अलाउ कर सकते हो, ठीक है। अब पैकेट ट्रेसर के केस में ये आपको मेरे ख्याल से 136 या 139 नंबर दिखाएगा कि इतने आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन रियल स्विच के केस में आप इतने आप अलाउ कर सकते, ठीक है। अब पोर्ट सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम अलाउड मैक, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, मैक्सिमम अलाउड मैक, कितने मैक हम अलाउ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ये रेंज। सेकंड जो पॉइंट है, जो मैक है जो आप अलाउ कर रहे हो वो कैसे लर्न करवाओगे आप। दो मेथड है, स्टिकी और मैनुअली। स्टिकी ऑटोमेटिक मेथड है, मतलब अगर आप स्टिकी कमांड का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट, जैसे आपने मैक्सिमम अलाउड मैक कर रखे हैं 10, आपने मैक अलाउड कर रखे हैं इस पोर्ट के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट 10 पीसीज अलाउड, 10 पीसीज कनेक्टेड होंगे इस पोर्ट से वो तो अलाउ होंगे, लेकिन जैसे ही 11वां मैक आएगा इससे कनेक्ट करने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, या आपने जो सो वायलेशन मोड सेट किया उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा, क्लियर। दूसरा मेथड है मैनुअली। मैनुअली आप किसी इंटरफेस पे बताओगे कि इस वाले मैक को आप अलाउ करना, अदरवाइज अलाउ मत करना। तो स्टिकी कौन सा मेथड है, ऑटोमेटिक, और ये है एक दूसरा मैनुअली हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉयलेशन मोड की। तो यहां पर तीन वॉयलेशन मोड होते हैं पोर्ट सिक्योरिटी में हमारे पास, वॉयलेशन मोड, कि हमने जो ये रूल सेट कर रखे हैं, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है, मान लीजिए हमारा जो ये है स्विच, मैंने इसके इस इंटरफेस पे मैक्सिमम अलाउड मैक कर रखा है 1, सिर्फ एक मैक अलाउ कर रखा है, वो मैक मान लीजिए मैंने स्टिकी मेथड से कर रखा है, तो ये पहला पीसी ए वाला ये कनेक्ट हुआ, इसके इसने तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई पीसी दूसरा बीबी कनेक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो वायलेशन मोड पहला है हमारे पास शटडाउन। अगर हम वायलेशन मोड शटडाउन सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका पोर्ट जो है वो डाउन चला जाता है, अगर कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश करे, पोर्ट डाउन चला जाएगा, या इसको बोलते हैं एरर डिसेबल मोड में चला जाएगा। तो एरर डिसेबल मोड एक कंडीशन है जो ऑन और ऑफ के बीच की कंडीशन है, ठीक है, तो डाउन ही समझो उसको।
शटडाउन, ठीक है। दूसरा वॉयलेशन मोड है प्रोटेक्टेड। अगर हम प्रोटेक्टेड वॉयलेशन मोड सिलेक्ट करते हैं तो पोर्ट तो अप रहेगा, पोर्ट डाउन नहीं जाएगा, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, पैकेट ड्रॉप। और तीसरा हमारे पास है रिस्ट्रिक्टेड मोड, रिस्ट्रिक्टेड मोड। तो रिस्ट्रिक्टेड मोड में क्या रहता है, पोर्ट अप रहता है, पैकेट भी ड्रॉप होता है, ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टेड मोड हमने लगा रखा है। सेम प्रोटेक्टिव मोड की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, हमें एक लॉग मैसेज मिलता है, लॉग मैसेज। अब पैकेट ट्रेसर के केस में शायद वो लॉग मैसेज आए ना, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं आएगा वो मैसेज, लेकिन रियल सिनेरियो में आपको ये रिस्ट्रिक्टेड मोड मैसेज, जब भी आपने वॉयलेशन मोड रिस्ट्रिक्टेड लगा रखा, कोई दूसरा डिवाइस पोर्ट सिक्योरिटी के रूल को अगेंस्ट जाता है, तो वो फिर क्या होगा, पैकेट ड्रॉप होगा और आपको एक मैसेज जनरेट होगा आपके स्क्रीन पे कि भैया ये मतलब दूसरा मैक कोई आपका लर्न करने की कोशिश कर, ठीक है। तो ये तीन वॉयलेशन मोड है। अब इनका प्रैक्टिकल देखते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी लगाने कैसे। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। स्विच ले लेते हैं, हम एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है। इंटरफेस FA 0x1, सबसे पहले इस इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हैं, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, आपको ये लिखना है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले इनेबल करना है आपने पोर्ट सिक्योरिटी को, तो ये क्या बोल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि आपका फास्ट इथरनेट 0x1 क्या है, डायनेमिक पोर्ट है, ठीक है, तो उस पर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं हो सकती, आपको एक्सेस पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सेस पोर्ट बना देता हूँ, स्विच स्विच पोर्ट एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड चलाने के बाद आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड चलानी है। अब पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई है, ठीक है, इनेबल होने का मतलब ये नहीं है कि पोर्ट सिक्योरिटी लग गई है, पोर्ट सिक्योरिटी का कमांड अभी रन करना पड़ेगा, ये सिर्फ इनेबल कराने का कमांड है। अब यहां पे आपको लिखना है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितने पीसी को आप अलाउड करना चाहते हो, मैक्सिमम स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा था तो 132 है ये, यहाँ पे आज और कम दिख रहा है, कभी 139 दिखता है, कभी 136, 132, लेकिन रियल केस में आपको कितना है, 1 से लेके 4096 दिखेंगे जब आप रियल स्विच पे काम करोगे, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम
वन पीसी को मैं अलाउड कर रहा हूं, एंटर, मैक्सिमम वन पीसी को अलाउड कर दिया। इसके बाद क्या करना है, एक कमांड और आपको चलानी है, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आप कैसे लर्न करवाना चाह रहे हो उस पर, या तो आप 48 बिट का मैक एड्रेस दो या स्टिकी कमांड का यूज चलाओ ऑटोमेटिक। तो मैं स्टिकी यूज कर रहा हूं, एंटर, ठीक है, मैक एड्रेस स्टिकी यूज कर। अब ये कमांड चल चुकी है, मैक एड्रेस स्टिकी भी हो गया। अब यहां पर वॉयलेशन मोड, वॉयलेशन भी बताना पड़ेगा आपको, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, वॉयलेशन। अब वॉयलेशन देखिए आपके पास क्या, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट, शटडाउन। अभी मैं शटडाउन की बात कर रहा हूं, तो शटडाउन मैंने सेट कर दिया। तो अब पोर्ट सिक्योरिटी लग चुकी है, ठीक है। अगर आप देखना भी चाहो तो डू शो स्विच, अभी FA0/1 पे शटडाउन लिखा है, ठीक है, कि मैंने इस पे वॉयलेशन मोड शटडाउन लिया और FA0/1 पे ही अभी इसने किसी का मैक एड्रेस लर्न नहीं कराया, क्योंकि यहां देखिए मैंने अभी ना तो इस पे आईपी दिया है। अब आईपी दे देता हूं तभी मैक एड्रेस लर्न करेगा, 10.1.1.1 255 255.255.255.0, गेटवे देने की जरूरत नहीं है, यहां पे भी दे देता हूं 10.1.1.2 255.255.0। पिंग करा लेता हूं मैं इसे, पिंग 10.1.1.2। एक मिनट यार, होल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिंग कर लिया, और एक बार इसको पिंग 10.1.1.3 इसको भी पिंग कर लो, दोनों जगह पिंग हो गया तो हमारा मैक एड्रेस लर्न हो गया होगा, ठीक है। तीनों मैक हमारे यहाँ पर लर्न कर लिए मैक एड्रेस टेबल ने, और अगर हम ये, तो अभी यहां पर कोई पोर्ट सिक्योरिटी का वॉयलेशन नहीं हुआ क्योंकि हमने दूसरा लैपटॉप नहीं लगाया। एक बार देखो इसने वॉयलेशन, अभी तो इसने ये किया हुआ है, इसका मैक एड्रेस हमने लर्न करा रखा है,
यहाँ पे दिखाना तो चाहिए था मैक एड्रेस को। मैं क्या करता हूँ, आप नया इसको लर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, नया मैक एड्रेस। तो मैं इसको लिंक को एक बार डाउन कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया लैपटॉप यहां से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मैक चेंज होगा, ठीक है। और इसको भी मैं आईपी दे देता हूँ, आईपी देता हूँ मैं यहाँ पे 10.1.1.5 दे देता हूँ, चलो, या चलो सेम ही दे देता हूँ जो उसको आईपी दी थी 10.1.1.5। यहां देखिए जैसे लगाते ही साथ ही ये क्या हो गया, देखिए जैसे ही इसने लर्न किया उसका आईपी तो ये इसने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, देख रहे हैं आप, लिंक्स डाउन चला गया मेरा। मैं इसको कितना आप करने की कोशिश करूं, फास्ट फॉरवर्ड करूं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर